नमस्कार, मैं अशोक दिल्ली से हूँ और शिक्षक हूँ। देवेंद्र भाई ने निमंत्रण दिया है जन सरोकार मंच टोंक की तरफ से कि मैं आपको दो चार कविताएं सुनाऊं, तो कविता लेके हाजिर हूँ। अभी आपके सामने कुछ कविताएं पढ़ूंगा, तो आप बताइएगा कि वो कविताएं हैं या नहीं, ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे। छिटपुट लिखता हूँ और फेसबुक पे लिखने वाला आदमी हूँ। आज तक जितना भी कुछ लिखा है वो सब फेसबुक पे डला है। तो एक संग्रह आ चुका है मेरा प्रेम कविताओं पे, मेरे पास तुम हो। तो कुछ एक कविताएं सुनाऊंगा मैं आपको उस संग्रह में से, एक दो कविताएं दूसरी तरह की जो सामाजिक विषयों पर, या हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक विषयों पर होंगी। जितना समय हो पाएगा, जितना समय मिल पाएगा, तो ये दो तरह की कविताएं मैं आपको सुनाऊंगा और एक दो कविताएं सुनाऊंगा क्योंकि मैं चंबा हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो कुछ पहाड़ों की तरफ से कविताएं हैं तो वहाँ के जीवन पर लिखी हुई हैं, तो एक दो और सुनाएंगे। तो जो मेरा काव्य संग्रह आया है मेरे पास तुम हो, मैं उसमें से एक दो कविताएं सुनाना शुरू करता हूं। पहली कविता जो सुनाना चाह रहा हूं उसका शीर्षक है कि मैं अकेला नहीं लौटता। कविता पढ़ता हूं। तुमसे मिलकर जब लौटता हूं तो मैं अकेला नहीं लौटता, मेरे साथ लौट आती है तेरे चेहरे की रंगत मेरी आंखों में सजकर। अपने होठों पे रखकर मैं लौटा लाता हूं तेरी मुस्कान को, मेरी हथेलियों में मेरे साथ लौटती है तेरी हथेलियों की गर्माहट। अपने माथे पर मैं लेकर लौटता हूं तुम्हारे हस्ताक्षर, तमाम रास्तों पर मेरे साथ लौट आते हैं तेरे कदमों के निशान। मैं लौट आता हूं अपने जिस्म में लपेट कर तेरी सौंधी खुशबू, तो सच बताना क्या तुम अधूरी नहीं रहती मेरे लौट आने के बाद। शीर्षक सारा का जो संग्रह है वो प्रेम कविताओं पे है, इसलिए आपको शुरू में मैं वहीं से ही दो चार कविताएं सुना दूंगा। कविता पढ़ता हूं मैं, जो शीर्षक है मेरी संग्रह का वो एक्चुअली कविता तो नहीं है लेकिन इसी में से आया है कि किताबें सहारा देती हैं, पृष्ठों पर लिखे हर्फ असर छोड़ते हैं दिलों पर, जिल्द की सुंदरता आंखों को सुकून देती है और मैं पढ़ता जाता हूं पृष्ठ दर पृष्ठ तेरे चेहरे की किताब, इसी सुकून की चाह में। इसी की एक अगली कविता है छोटी सी कि मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं चेहरा पढ़ता हूं, मुझे शब्दों से ज्यादा आंखें समझ में आती हैं, मैं मुस्कुराहटों में कविता ढूंढता हूं और झुकी पलकों में प्रेम कहानियां। मुझे किसी संग्रह की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास तुम हो। हमारे आज के दौर में जो हम लोग खासकर जो फेसबुक पे लिखने वाले लोग हैं हमारे जैसे, मैं बहुत बड़ी कविता नहीं लिख पाता कि बहुत लंबी हो, तो बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखता हूं। इसी संग्रह में एक कविता है, जल्दी से आ जाना तुम। ये कविता छंदबद्ध तो नहीं है लेकिन थोड़ी लय में लिखी गई है, तो मैं पढ़ता हूं कि जब मेघ घिरे हो अंबर में, जब मेघ घिरे हो अंबर में हो छुपता और निकलता चांद, जब याद तेरी घेरे आकर तो जल्दी से आ जाना तुम। जब बिजली झांके खिड़की से और झोंके ले आए महक तेरी, जब बिजली झांके खिड़की से और झोंके ले आए महक तेरी, जब पहली बूंद हो गिरने को
तो जल्दी से आ जाना तुम। जब तेरा गीत सुनाई दे तन्हाई में खोए खोए, जब तेरा गीत सुनाई दे तन्हाई में खोए खोए, जब मिलने का हो मन मेरा तो जल्दी से आ जाना तुम। भोर में किरणें छन करके पर्दों के बीच से झांकेंगी, भोर में किरणें छन करके पर्दों के बीच से झांकेंगी, जब आँख खुलेगी तेरे बिन तो जल्दी से आ जाना तुम। जब धूप भरी हो दोपहरी और छांव घनी हो आंगन में, जब धूप भरी हो दोपहरी और छांव घनी हो आंगन में, जब कोयल गीत सुनाएगी तो जल्दी से आ जाना तुम। जब शाम ढले सूरज डूबे लाली हो छाई क्षितिज पर, जब शाम ढले सूरज डूबे लाली हो छाई क्षितिज पर, जब झिंगुर शोर मचाएंगे तो जल्दी से आ जाना तुम। जब पहर ढले और रात बढ़े, जब पहर ढले और रात बढ़े ओस जमे हर पत्ते पर, जब सर्द हवा ना सोने दे तो जल्दी से आ जाना तुम। इसी संग्रह में से एक कविता पढ़ रहा हूं जिसका शीर्षक है कि दिन गुजर गए। धूप चढ़ती रही सीढ़ियां साए छत से गुजर गए, धूप चढ़ती रही सीढ़ियां और साए छत से गुजर गए, कदम बढ़े दौड़ते पलों की ओर दरवाजे तक पहुंचे और अचानक ठहर गए, दीप जले फिर बुझे और फिर से जल गए, यूं ही होती रही सुबह से शाम हम गिनते रहे और दिन निकल गए। उम्मीदों की देहरी पर देर तक सपने खड़े रहे, उम्मीदों की देहरी पर देर तक सपने खड़े रहे, भीतर बुलाया मन्नत की वो आए पर ठहरे नहीं, बस झांके और निकल गए। जाने कैसे काजल पिघला, जाने कैसे काजल पिघला, निशान चेहरे तक उतर गए, पत्तों ने राह देखी शाख से टूटकर, पत्तों ने राह देखी शाख से टूटकर, सावन नहीं आया कितने पतझड़ गुजर गए। मेरी कविताएं दरअसल ये घर से उपजी हैं। अब वो कविता होती है कि नहीं होती है वो तो आप लोग बताएंगे, लेकिन मेरे आसपास जो होता है मैं उसको लिखने की कोशिश करता हूं। और आसपास होने में जो घर की बातें हैं, तो एक कविता लिखी थी मैंने, ये तुकबंदी कह सकते हैं क्योंकि किसी नियम को ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया, कि घर में अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरे और मेरी धर्मपत्नी के बीच में जो हमारी पसंद और नापसंद है वो कभी मिलती नहीं है। तो उसी बात से एक कविता निकली थी, आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिसका शीर्षक था मेल। कि आती है बनकर जोड़ियां ऊपर किसी आसमान से, आती है बनकर जोड़ियां ऊपर किसी आसमान से, ये झूठ है कहता था मैं 100 बार अपनी जुबान से, मैं नास्तिक हूं और हैरान हूं, मैं नास्तिक हूं और हैरान हूं कि ये सच कैसे है, मैं परेशान हूं, वो मिल गई कुछ मुझसे यूं, वो मुझ में है या मैं उसमें हूं, आदतों से मजबूर हम ना बदल सके मगरूर हम, हर चीज हो अपनी जगह वो चाहती है अपना लूं मैं, हर चीज हो अपनी जगह वो चाहती है अपना लूं मैं चाहूं हो बेतरतीब सब जो पास है फैला लूं मैं, कुछ आदतें जो थी मुझ में कम, कुछ आदतें जो थी मुझ में कम वो उसमें सब है ना एक कम, वो बिग बॉस की मुरीद है कुछ अलग मेरा रास्ता, वो बिग बॉस की मुरीद है कुछ अलग मेरा रास्ता, मैं गुम रहूं कविताओं में उसे गजल से ना कोई वास्ता, है सोच है विपरीत सी और चाहते बेमेल हैं, हम फिर भी हैं एक से क्या गजब का मेल है। ये कुछ कविताएं थी जो मेरा संग्रह है मेरे पास तुम हो, ये उसमें से थी। इसके अलावा आसपास की घटनाएं देखकर कुछ कविताएं उपजती हैं, कुछ लिखने का मन होता है, तो मैं एक दो आपको वो कविताएं सुनाऊंगा जो इस संग्रह में तो नहीं है,
लेकिन मैंने लिखी है और हमेशा ही फेसबुक पर शेयर की है। ये जो कविता मैं सुना रहा हूं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये कविता दरअसल मैं किसी इलेक्शन के बाद जो रैली निकलती है, लोगों की जो जुलूस निकलता है, उस जुलूस को देखकर उपजी थी। तो आपके साथ साझा करता हूं। कविता का शीर्षक भी जुलूस ही है कि कविता है, कुछ आतिशबाजी है जोशीले नारों का शोर है, ढोल नगाड़ों के संग देश प्रेम चरम पर है, बड़े बड़े बैनर लिए एक जुलूस सा चला आता है, जिसमें शामिल हैं फिल्मी कलाकार, कुछ ठेकेदार, कुछ रसूखदार और कुछ कैमरा उठाए पत्रकार भी, कुछ सेलिब्रिटी साधु हैं, कुछ टोपी पहने इमाम हैं, और इन सब के पीछे है बेरोजगारों का एक झुंड जो पूरी ताकत के साथ बड़ी जोर से नारा लगाता है, इस उम्मीद में कि उसके दिन अब बदलने वाले हैं। पसीने से तर मजदूर अपने औजारों को विराम देकर समझने की कोशिश में हैं कर्णछेदी नारों का मतलब, जो नहीं समझ पा रहे हैं कि सड़क पे आखिर ये शोर क्यों है। कुछ भूखे बच्चे हैं जो ढूंढ रहे हैं जूठन में बचे हुए चावल के दाने, हाथों में जूठन लिए वो जुलूस को बस देखते जाते हैं। सिग्नल पर भिखारियों को खास हिदायत मिली है कि जुलूस की राह ना रोकें, ये भीख नहीं देते, नीतियां बनाते हैं, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि नीतियों का वो क्या करेंगे, उन्हें तो बस भीख चाहिए थी। जुलूस में शामिल बुद्धिजीवी किसानों को लोकतंत्र समझाते हुए जुलूस में कर लेना चाहते हैं शामिल, पर वो चाहता है कर्ज से मुक्ति, अपनी फसल का सही मूल्य, उसकी समझ से परे है लोकतंत्र का अर्थ। हाथों में झंडा लिए जुलूस बड़ा आ रहा है रोड़ी के ढेर की तरफ, और ढेर पर बैठा हुआ मजदूर हथौड़ा थामे डरा सा है कि कहीं रोड़ी के ढेर पर कोई उस झंडे को ना गाड़ दे, ठीक वैसे जैसे गाड़ आए थे बरसों पहले लाल किले की दीवार पर, ताकि भ्रम बना रहे कि हम आजाद हैं। थैंक यू। अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली में शिक्षक हूँ, तो कोरोना के इस समय में दिल्ली के शिक्षकों की जो ड्यूटी है वो लोगों को फाइन करने में लगाई गई है, चालान काटने में। चालान काटने में इन द सेंस के हम लोग जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उन लोगों का चालान काटते हैं। तो चालान काटते काटते किसी ऐसी जगह पे पहुंचा मैं जहां मजदूर लोग थे जिनका चालान वास्तव में काटना पड़ गया, क्योंकि वो लोग वो नहीं कर रहे थे। हाँ, तो कविता आपके साथ शेयर करता हूं जो अभी रीसेंट एक्सपीरियंस है 2-4 दिन का, कि उसका गुनाह ये है कि जब वो अपनी देह से भारी बोझ अपनी पीठ पर लादता है तो नाक के नीचे सरकते मास्क को संभाल नहीं पाता। उसका कसूर यह भी है कि हड्डियों के ढांचे पर चढ़े खाल के आवरण में ना दिखने वाले छिद्रों में से पसीना इतना निकलता है कि गमछा भीग कर भारी हो जमीन पर गिर जाता है। उसका गुनाह यह है कि उसका एक पेट है जो इस खतरनाक महामारी के दौर में भी उसे घर के भीतर रुकने की इजाजत नहीं देता। उसका कसूर यह है कि छोटी सी फैक्ट्री के छोटे से कमरे के अंदर बहुत सारे लोगों के बीच काम करता हुआ वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाता। उसका कसूर यह है कि वो तंबाकू खाता है और फिर यहां वहां थूकता है।
फिर वो आंसुओं को रोकता हुआ जेबें टटोलता है, सिक्के जमा करता है, छोटे छोटे मुड़े हुए कटे फटे नोट निकालता है, और पूरे 2 दिन की कमाई मेरे हाथ पर रखकर वो अपने गुनाहों के बदले में एक रसीद पकड़ता है। बोरे से हल्की देह पर फिर से बोरा लादकर वो जुट जाता है अगले दिन के जुर्माने के इंतजाम में। तो ये वो कविता थी जो अभी रिसेंट जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ऐसी एक कविता हुई कि ज्यादातर हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग सिग्नल पर देखते हैं कि भिखारी है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये इनका रोजगार है, ये लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, इन्होंने धंधा बना लिया है। तो उसी बात पे दो एक कविता लिखी थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, भिखारी के ऊपर। कि सिग्नल पर बत्ती जली, ब्रेक लगा, गाड़ी रुकी, और बाहर से शीशे पर किसी ने दी दस्तक। सिग्नल पर बत्ती जली, ब्रेक लगा, कार रुकी, और बाहर से किसी ने शीशे पर दी दस्तक। दोनों हाथ फैलाए कुछ पा लेने की चाहत में, भारत की माताओं में से एक बाहर खड़ी थी एक माता। और मेरी बगल में बैठा सज्जन गुर्राया, भौं और नाक सिकोड़ कर कुछ शब्द बुदबुदाया। दोनों तरफ के वार्तालाप में मेरी समझ की कुछ नहीं आया कि सिग्नल पर बत्ती जली, ब्रेक लगा, कार रुकी, बाहर से किसी ने शीशे पर दी दस्तक। दोनों हाथ फैलाए कुछ पा लेने की चाहत में, भारत की माताओं में से बाहर खड़ी थी एक माता। बगल में बैठा सज्जन गुर्राया, भौं और नाक सिकोड़ कर दोनों तरफ कुछ शब्द बुदबुदाया। दोनों तरफ के वार्तालाप से मेरी समझ में कुछ ना आया, मैंने ध्यान से कान लगाया, तब जाकर समझ में आया कि भिखारी नहीं है साहब, धंधा है इनका, बना लिया है रोजगार, भीख का शौक फरमाते हैं और सिग्नल पर खड़े होकर अच्छा खासा कमाते हैं। भिखारिन लगा जैसे समझदार थी, शौकीन नहीं थी, शायद लाचार थी। बोली साहेब, सड़क पर भीख मांगना रोजगार कैसे हो सकता है, जिस काम में हर वक्त होता है जिल्लत का सामना, वो मजबूरी है साहब, शौक कैसे हो सकता है। एक कविता सुनाऊंगा। एक्चुअल मैं अभी तक हमारे गांव में जहां मैं रहता हूं वहां पर सड़कें नहीं हैं, तो जब कोई बीमार हो जाता है तो बीमार आदमी को चारपाई पर उठाकर हम लोग जो है वो हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। तो ऐसे ही किसी दृश्य पर से ये कविता उपजी है, जिसका मैंने नाम रखा है लोकतंत्र की लाश। तो लोकतंत्र की लाश जो कविता है वो आप सुनिए। ये भी तुकबंदी है, किसी छंद के नियम से नहीं लिखी गई है, लेकिन एक बार सुनिएगा आप। कि वो देखो कोई बीमार पड़ा, वो देखो कोई बीमार पड़ा, है सारा गांव साथ खड़ा, चारपाई उठाए चार जन, उस पर लेटा बीमार तन। चारपाई उठाए चार जन, उस पर लेटा बीमार तन, यहां ऐसी तरक्की आई है, एम्बुलेंस नहीं चारपाई है। अरे ठोकर लगी ये क्या हुआ, चारपाई से शायद विकास गिरा। अरे ठोकर लगी ये क्या हुआ, चारपाई से शायद विकास गिरा। पगडंडी जी की जो हालत है वो लोकतंत्र की बदौलत है, पगडंडी की जो हालत है वो लोकतंत्र की बदौलत है। ये आजादी है जो पाई थी, ये सरकार है जो बनाई थी, ये वो सपने हैं जो देखे थे, ये वो सुविधा है जो चाही थी। दवाखाने में चारपाई खड़ी, दवाखाने में चारपाई खड़ी, एक डॉक्टर और कतार बड़ी, जो विदेशी मशीन जरूरी थी किसी कोने में है खराब पड़ी। घंटों कतार में खड़े खड़े अब उसकी बारी आई थी, हो गई खत्म अचानक से, चाहिए उसे जो दवाई थी। फिर दम घुटा, फिर दम टूट गया, विकास का भ्रम टूट गया। बस कुछ मिनटों की देर हुई थी, बस कुछ मिनटों की देर हुई थी, सरकारी योजना ढेर हुई थी, लोकतंत्र की लाश पड़ी है इस सरकारी अस्पताल में, ये विकास है जो पहुंचा है मेरे गांव चलकर 70 साल में। जैसे मैंने आपसे बात करी थी कि मैं पहाड़ों का रहने वाला आदमी हूं, तो पहाड़ों पर रहते हुए भी कुछ कविताएं जो है वो दिमाग में आती हैं। एक मैंने कविता लिखी थी हाल ही में,
पहाड़ी औरतें। तो पहाड़ी औरतें आपके साथ, इसमें कुछ शब्द होंगे जिनका मैं अर्थ बता दूंगा, वो शब्द नए होंगे कुछ लोगों के लिए, कि पहाड़ी औरतें नजदीक ब्याई गई मगर दूरियां कायम रही ताउम्र, वो पार करती रही जिंदगी के उतार चढ़ाव टेढ़े मेढ़े रास्तों की तरह। पहाड़ी औरतें पीठ पर किल्टा उठाती, सूखे पत्ते बटोरती, हरी घास काटती, मुस्कुराती रही, और उनके साथ मुस्कुराते रहे बाण के जंगल, गाती रही घासनियां और सीढ़ियां चढ़ते रहे हरियाए खेत। किल्टा होता है पीठ पे वजन उठाने के लिए, एक तरह लकड़ी का, बांस के जैसी लकड़ी होती है, उसका बुना हुआ एक बर्तन होता है जिससे हम पीठ पर वजन उठाते हैं। पहाड़ी औरतें पतियों को मैदानों में भेज खटती रही जंगल जंगल, वो चुन्नी में बांध कर लाती रही बच्चों के लिए काफल के गुलाबी दाने, काले पीले आखरे, और तोड़ लाती रही खिले हुए बुरांश के फूल। पहाड़ी औरतें पशुओं को भी प्रेम देती रही, उनके भी नाम रखे गए, उन्होंने भी स्नेह पाया, उन्हें भी पुचकारा दुलारा गया अपने बच्चों की तरह। कपकपाती ठंड उनके गाल सहलाकर उनको लाली देती रही, और भरोटे के बोझ तले उनकी गर्दन नृत्य करती रही हवाओं की ताल पर। भरोटा होता है सर पे जो बोझ उठाते हैं, उसको हम भरोटा कहते हैं। उनकी झुर्रियों से झांकता है अभाव में गुजरा जीवन, दरातियों के दिए घाव उनके संघर्ष की कहानियां कहते हैं, और परेशानियों को मुंह चिढ़ाती है बुढ़ापे में भी सीधी तनी उनकी रीढ़। एक कविता है, जब मैंने फेसबुक पे शेयर किया था तो लोग, एक दो लोग थे जिन्होंने बहुत इसका विरोध किया कि भाई ऐसा कैसे लिखते हैं तुम, ये नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात थी कि किस तरह से चीजों का जो सरलीकरण हो जाता है हमारे समाज के अंदर, और हमें पता भी नहीं लगता है कि क्या हो रहा है। तो एक वो सुना रहा हूं, कविता आपके साथ शेयर करता हूं, कि वो कहती है कि मुझे चूड़ियां बंधन नहीं लगती। वो कहती है कि मुझे चूड़ियां बंधन नहीं लगती, पहनने दो ना और मैं हार जाता हूं। वो कहती है कि घूंघट नहीं पल्लू रखने दो, मैं सम्मान देना चाहती हूं और मैं हार जाता हूं। वो कहती है कि मुझे व्रत करना है, ये तुमसे प्रेम का एहसास दिलाता है, और मैं हार जाता हूं। वो पूजा के बाद मेरे पांव छूकर मुझसे आशीर्वाद मांगती है और मैं फिर से हार जाता हूं। मैं अपनी हार पर हर बार सोचता हूं कि ऐसा क्यों है कि आसानी से चुन लेती है स्त्री प्रेम के नाम पर अधीनता और सम्मान के नाम पर सारे बंधन। हे राम कविता भी मैंने कुछ दिन पहले लिखी थी। हे राम मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं कि हे राम फिर से आना एक दिन, हे राम फिर से आना एक दिन, खुद को आजाद करवाने सियासत के चंगुल से, और इस बार मिथिला जाने से पहले मिलकर जाना अहिल्या हुई आसिफा से। हे राम इस बार जब आओ तो केवट को अंगूठी मत देना, बल्कि केवट के लिए वर्जित प्रवेश की परंपरा को तोड़कर मंदिर के कपाट खोलकर उसे सीने से लगा लेना। हे राम इस बार शबरी धाम नहीं सबरीमाला जाना, और बाहर खड़ी शबरी माँ का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले जाना। हे राम इस बार साधना निशाना तमाम रावणों पर, किंतु इस बार तीर नाभि पर नहीं मस्तिष्क पर मारना, ताकि बहाया जा सके सदियों से जमे नफरत के मवाद। अभी एक कविता लिखी थी कुछ दिन पहले, बेरोजगार लड़के, ये राजनीति से उससे थोड़ा हटकर है, आप इसको राजनीतिक ना भी माने, कि बेरोजगार लड़के रोज मायूस होते हैं अपनी बेरोजगार प्रेमिका से मिलकर।
बेरोजगार लड़के रोज मायूस होते हैं अपनी बेरोजगार प्रेमिका से मिलकर, जिसके सपनों पर भारी है शादी करने का दबाव। बेरोजगार लड़के किताब पढ़ते, अखबार चाटते, फार्म भरते और एग्जाम की तारीखों पर गोले लगाते। बेरोजगार लड़के परीक्षा परिणामों के इंतजार में नारे लगाते, लाठियां खाते, पीठ की चोटों को सहलाते हुए फिर से जुट जाते हैं अगले एग्जाम के लिए। बेरोजगार लड़के मम्मी की चाय बनाते हैं, बहन के साथ जाते हैं, भाई का सामान ढोते, पिता की डांट सुनते हुए खेलते रहते हैं भतीजे भतीजियों के साथ। बेरोजगार लड़के डिग्रियों को पलट पलट कर ये ढूंढते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। एक दो कविताएं अपने संग्रह में ही से ही सुना दूंगा। तो संग्रह में जितनी भी कविताएं हैं, बहुत छोटी छोटी सी कविताएं लिखी हुई हैं मैंने। मैं इंतजार करूंगा, पढ़ रहा हूं कि मैं बचाकर रखूंगा मुट्ठी भर जाड़े की धूप, आंगन भर छांव, बरसात की पहली बारिश और आंखों में मीठी चांदनी, पंछियों का शोर, जुगनुओं की रोशनी, संगीतमयी ब्यार की छुअन, झरते हुए पात और मन की सारी बात। तुम जिस मौसम में चाहो चले आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और एक और है कि तुझे पास बचा रखा है, शीर्षक है कि हवाएं जो गुजरी थी तुझे छूकर, तेरी खुशबू लेकर, वो मेहमान है मेरे घर। हवाएं जो गुजरी थी तुझे छूकर, तेरी खुशबू लेकर, वो मेहमान है मेरे घर। तेरी मुस्कुराहटें कैद हैं उन लपटों में, जिनके पास बैठकर वो हसीन रात गुजरी थी। मैंने सहेज रखी है मेरे आईने में तेरी तस्वीर, बिल्कुल वैसे ही खिलखिलाते हुए। खुद से मिलना चाहो तो मेरे पास आ जाना, तुझे तुझसे भी ज्यादा मैंने अपने पास बचा रखा है। ये लास्ट कविता अपने संग्रह में से ही मैं आपके साथ आखिरी शेयर कर रहा हूं कि जब वो चुप होती है तो वो चुप नहीं होती, वो कह रही होती है कि मैं उससे बात करूं, उससे कारण पूछूं और उसे मना लूं बिना किसी बात के भी। और जब वो उदास होती है तो वो अकेले उदास नहीं होती, उसके साथ उदास हो जाती है घर की दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां और छत। उसकी हंसी होठों से नहीं झलकती, उसकी हंसी होठों से नहीं झलकती, वो झलकती है बिस्तर की सिलवटों से, खिड़की के पर्दों से, खनकते बर्तनों से, अधूरे लिखे पन्नों से और खुली पड़ी किताब से। शुक्रिया सबका, शुक्रिया जन सरोकार मंच टोंक का, जिन्होंने मुझे कविताएं पढ़ने का अवसर दिया है, और जितने भी लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया।